दोस्तों, वीवो के लिए साल 2019 काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ पे वीवो ने जो है इंडिया में खास करके बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जिसमें ज़्यादातर जो फ़ोन है दोस्तों वो वैल्यू फॉर मनी है और पहले जैसा वीवो प्रोवाइड करता था उसके हिसाब से दोस्तों अभी काफ़ी हद तक जो है वीवो अपने प्राइस को कंट्रोल में रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वीवो के फ़ोन को पसंद करना चालू कर दिए हैं। इस साल रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन पहले वीवो U20, वो भी फ़ोन काफ़ी कमाल का था, जहाँ पे आपको 11,000 की प्राइस में लगभग से दोस्तों सभी कुछ मिल जाता है जो एक स्मार्टफोन में हमको चाहिए होती है। और साल की एंड में दोस्तों, साल का एंड होने ही वाला है और इसके बीच में वीवो का एक और फोन लॉन्च होने वाला है, वीवो V17 के नाम से। ये फोन दोस्तों आपको 9 दिसंबर को लॉन्च होते हुए दिख जाएगा इंडिया में और इसके ऑफिशियल टीजर और पोस्टर्स जो है सामने निकल के आ गए हैं, इसके रेंडर सामने निकल के आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो के V17 के बारे में, आपको बताएंगे कि इंडिया में इसकी प्राइस क्या होने वाली है, किस डेट पे ये लॉन्च होगा और दोस्तों क्या कुछ खास फीचर्स के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले को लेके, तो ग्लास सैंडविच का डिजाइन जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा और पीछे दोस्तों एल शेप का कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 4 कैमरेस और फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूं फ्रंट साइड की दोस्तों, तो यहां पे 6.44 इंच का एक आपको फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और यहां पे दोस्तों डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए दोस्तों, तो फ़ोन काफ़ी प्रीमियम होने वाला है। किसी भी तरह से ये जो आजकल के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं 20,000 के आसपास का, उसी तरह का ये होने वाला है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो है आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, डिज़ाइन को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेके, तो इस फोन में कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 675 का चिपसेट होने वाला है और दोस्तों ये जो चिपसेट है हमें बहुत सारे फोन्स में देखने को मिला है। रिसेंटली जो वीवो का U20 लॉन्च हुआ है उसमें भी दोस्तों ये चिपसेट दिया गया, तो परफॉर्मेंस वाइज चिपसेट जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो प्राइस रखी जाएगी उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये चिपसेट की जगह स्नैपड्रैगन 712 या फिर उसके ऊपर वाला अगर कोई चिपसेट देते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन खैर हम क्या कर सकते हैं, ये तो कंपनी जाने। और इसमें रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB तक की रैम मिल सकती है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में दोस्तों मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कैमरास के ऊपर, तो इस फोन का कैमरा काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसमें 48 MP का मेन सेंसर होने वाला है, F1.8 एपर्चर के साथ आने वाला है। दूसरा जो कैमरा होने वाला है वो 8 MP का एक वाइड एंगल लेंस होने वाला है। उसके बाद 2 और सेंसर होंगे, जिसमें एक मैक्रो लेंस होगा 2 MP का और एक डेप्थ सेंसर होगा 2 MP का। सेल्फी के लिए दोस्तों ये जो फोन है 32 MP के सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला है, तो कैमरास देखा जाए दोस्तों काफी अच्छा रहने वाला है इस फोन का और सुपर नाइट मोड भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप जो है रात में काफी अच्छी फोटोज निकाल पाओगे। ओवरऑल अगर कैमरास को देखा जाए तो कैमरास काफी डिसेंट होने वाले हैं अपने प्राइस पॉइंट पे। के बाद दोस्तों आते हैं बैटरी लाइफ को लेके, तो बैटरी के मामले में भी ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। 4500 mAh की बैटरी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगी और 18W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट जो है ये भी फोन करने वाला है और USB टाइप सी पोर्ट भी इस फोन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों फोन जो है एंड्रॉयड 9 पाई और फन टच ओएस 9 पे जो है रन करने वाला है। तो यही कुछ चीजें हैं दोस्तों जो वीवो के V17 में आपको देखने को मिल जाएगी। इस फोन के दोस्तों 3 मेन सेलिंग पॉइंट हो सकते हैं। एक तो पहला पंच होल डिस्प्ले, जहां पे आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पे बड़ी बैटरी देखने को मिली 4500 mAh की वो, और तीसरा दोस्तों इसका कैमरा। तो कुल मिला के दोस्तों यही 3 मेजर सेलिंग पॉइंट्स जो है इस फोन के होने वाले हैं। अब बात रहती है ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो मैं आपको बता दिया जैसे पहले ही, तो 9 दिसंबर को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। ऑब्वियसली ये कंफर्म कर दिया है वीवो ने ट्विटर पे और दोस्तों इस फोन की जो प्राइस है बताया जा रहा है कि 20,000 के अराउंड होने वाली है, यानी लगभग 20,000 के आसपास जो है आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस फोन को 20,000 की प्राइस में लेना चाहोगे, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे कम प्राइस में वीवो का कई फोन अवेलेबल है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको उस फोन में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ नया तो नहीं है, लेकिन पंच होल जो है आपको मिल रहा है और पंच होल भी दोस्तों आजकल पुराना हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो काफी अच्छा फोन है, लेकिन प्राइसिंग दोस्तों मुझे लग रही है अगर 20,000 के आसपास होती है 8GB रैम 128GB स्टोरेज की तो थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही फीचर जो है मैं कम प्राइस में और
कंपनीज दे रही है, तो देखने की बात रहेगी कि प्राइस को कितना ज़्यादा कम रख पाती है वीवो। अगर ये फ़ोन 17-18 हज़ार की प्राइस में लॉन्च होता है या फिर 16-17 हज़ार की प्राइस में लॉन्च होता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन 20 हज़ार को अगर छू जाता है ये फ़ोन तो मुझे लगेगा कि ये जो फ़ोन है थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आने वाले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इन्जॉय कीजिए।